अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्दी पाकिस्तान। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल पाकिस्तान में खुश खांसी बहुत ज़्यादा आम है और मौसम भी बहुत ज़्यादा खुश्क और ठंड चल रहा है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ खुश खांसी का एक बेहतरीन सिरप डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सिरप कुसुम। कुसुम सिरप की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मुकम्मल वीडियो को देखा करें और स्किप ना किया करें, ताकि आपको कुसुम सिरप या किसी भी प्रोडक्ट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, कुसुम सिरप जो है, ये मार्टन ड्यू फार्मा की प्रोडक्ट है और ये 120 ml में मार्केट में मौजूद है। बेसिकली कुसुम दो किस्म के होते हैं, एक होता है कुसुम प्लेन सिरप और एक होता है कुसुम ई सिरप। जो कुसुम ई सिरप होता है, वो होता है बलगमी खांसी के लिए, प्रोटेक्टिव कफ के लिए। और जिस सिरप को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कुसुम प्लेन सिरप। ये होता है खुश्क खांसी के लिए और नज़ला ज़ुकाम के लिए। अगर नज़ला ज़ुकाम या एलर्जी की वजह से आपको खांसी है, तो आप कुसुम सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम की वजह से आपके गले में ख़राश है, बार बार गले में खड़खड़ाहट हो रही है, तो उस सूरत में भी आप कुसुम सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे, बलगमी खांसी की सूरत में आपने कुसुम सिरप इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि कुसुम ई सिरप इस्तेमाल करना है। बलगमी खांसी की सूरत में कुसुम सिरप आपको फ़ायदा नहीं देगा, इसीलिए आपको खांसी की नौयत को देखकर उसके मुताबिक सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। कुसुम सिरप नज़ला ज़ुकाम में भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपको खुश खांसी है, तो आप कुसुम सिरप का इस्तेमाल करें, और अगर आपको बलगमी खांसी है, तो इस सूरत में आप कुसुम ई सिरप का इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या होता है। कुसुम सिरप जो है, बड़ों के लिए दो दो चम्मच दिन में तीन मरतबा या 10 ml दिन में तीन मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों में जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल तक है, उनके लिए एक एक चम्मच आप दिन में तीन मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनको खांसी है और उनकी उम्र 6 साल से कम है, तो आप उनको कुसुम सिरप बिल्कुल नहीं दे सकते, बल्कि इसके बदले कोई और सिरप दें, जिससे बच्चों की खांसी ठीक हो सके। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।